कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो उम्मीदवार एसएससी सीएचएसएल 2023 के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर अप्लाई कर सकते हैं। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया 9 मई 2023 से जारी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 जून 2023 तक है। परीक्षा के लिए पंजीकृत होने वाले उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि प्रवेश पत्र परीक्षा तिथि से 10 से 15 दिन पहले जारी किए जा सकते हैं। कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से अधिसूचना के मुताबिक 1600 पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। इसमें लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सचिवालय सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर पद शामिल हैं। एसएससी सीएचएसएल के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु सीमा 1/8/2023 के अनुसार तय की गई है, जिसके तहत उम्मीदवारों की आयु 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके साथ ही ऊपरी आयु सीमा में उम्मीदवारों को भारत सरकार के मौजूदा नियम के अनुसार छूट दी जाएगी। एसएससी सीएचएसएल के लिए आवेदन कर रहे सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपये का शुल्क जमा करना होगा। हालांकि महिला उम्मीदवारों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों और पूर्व सैनिकों को जो आरक्षण के लिए पात्र हैं उन्हें शुल्क भुगतान से छूट दी जाएगी। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 10 जून 2023 तक है। अगर आप ऑफलाइन फीस जमा करने की सोच रहे हैं इसके लिए 11 जून तक आपको बैंक से चालान जनरेट करवाना होगा। इसके बाद आपके पास 12 जून तक का समय मिलेगा। एक बार भुगतान हो जाने के बाद वापस नहीं किया जाएगा। एसएससी सीएचएसएल आवेदन पत्र और फीस जमा करने के बाद एसएससी 14 जून से 15 जून 2023 तक उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र और फीस भुगतान हुई किसी भी गलती को सुधारने का एक मौका देगा। इस दौरान उम्मीदवारों के पास 11 बजे रात तक समय रहेगा। एसएससी सीएचएसएल के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से कम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इस वर्ष एसएससी सीएचएसएल 2022 परीक्षा टीयर 1 के लिए 32 लाख के करीब छात्रों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से केवल 13 लाख ही उपस्थित हुए थे। परीक्षा 9 मार्च 2023 से 21 मार्च 2023 तक आयोजित की गई थी। एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2023 टीयर 1 अगस्त के महीने में आयोजित की जाएगी। ये सीबीटी मोड में आधारित परीक्षा होगी, जबकि टीयर 2 परीक्षा का कार्यक्रम बाद में जारी किया जाएगा। लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सचिवालय सहायक के पद पर चयनित उम्मीदवारों को वेतन स्तर 2 के तहत 19,900 से लेकर 63,200 रुपये तक का आवेदन मिलेगा। जूनियर सचिवालय सहायक के पद पर चयनित उम्मीदवारों को वेतन स्तर 2 के तहत 19,900 से 63,200 रुपये का वेतन मिलेगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर पद पर चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल 4 के तहत 25,500 से 81,100 रुपये और लेवल 5 के तहत 29,200 से लेकर 92,300 रुपये तक वेतन मिलेगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 1 पद पर चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल 4 के तहत 25,500 से 81,100 रुपये का वेतन मिलेगा। सबसे पहले एसएससी की वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं, होम पेज पर अप्लाई नाउ लिंक पर क्लिक करें और फिर सीएचएसएल लिंक पर क्लिक करें। अपने आवश्यक क्रेडेंशियल दर्ज करें और लॉग इन करें, सभी विवरण भरें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें। अब अंतिम आवेदन जमा करें, सेव करके डाउनलोड करें। videodesk@amarujala.com।